वेलकम टू माय चैनल शुभ्रांशु मंडल नॉलेज शेयर। यहाँ पर आपको मिलता है नॉलेज बिन गया कॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो आईसीसी वर्ल्ड कप अभी फिलहाल चल रहा है, तो आप कहाँ कहाँ से आपको वर्ल्ड कप का टिकट आप बुक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप वर्ल्ड कप का टिकट, इंडिया का मैच या फिर और भी जो कंट्री जो पार्टिसिपेंट कंट्री है उनका मैच आप अगर देखना चाहते हैं, आराम से घर बैठे आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो कहाँ से आप वो टिकट बुक कर सकते हैं मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में कैसे आपको टिकट बुक करना है मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो आप ये वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आप अगर ये वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कैसे ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल प्ले स्टोर में आपको जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको सर्च करना है बुक माई शो। देखिए, बुक माई शो बोल के आपको सर्च करना है। बुक माई शो आपको सर्च करने के बाद देख लीजिएगा, ऐसा आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बुक माई शो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आपने अगर नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो बुक माई शो इंस्टॉल करने के बाद आपको बुक माई शो का ऐप्स में आपको जाना होगा। देखिए, ये है, इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा बुक माई शो का आपका ऐसे आपका एक इंटरफेस आएगा। देखिए, बुक माई शो बोल के ऐसा आपका आएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो बुक माई शो के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू विथ ईमेल और कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर से मैं कर रहा हूँ। आप गूगल या फिर ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर देने के बाद ठीक है, मोबाइल नंबर आपको एंटर करने के बाद आपका एक ओटीपी भी आएगा। आपका मोबाइल में जो ओटीपी है, ओटीपी आएगा। ओटीपी देने के बाद देखिए, ओ हे देयर वेयर आर यू, तो यहाँ पर डिटेक्ट माई लोकेशन और सिलेक्ट मैनुअली यहाँ पर बोल रहे हैं। तो डिटेक्ट माई लोकेशन और सिलेक्ट मैनुअली, तो यहाँ पर आप आपका लोकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका लोकेशन क्या है तो वही हिसाब से आपका लोकेशन आप जीपीएस ऑन कर दीजिएगा। जीपीएस ऑन करने के बाद आपका लोकेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ, और गो टू सेटिंग्स बोल के भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप गो टू सेटिंग्स में जाके आपको क्या करना होगा, आपको अलाउ करना है। मैं आकर ऐप परमिशन आपको मांगेगा, तो ऐप परमिशन को आपको लोकेशन में अलाउ करके देना है। ठीक है, लोकेशन परमिशन को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपका हो जाएगा। बुक माई शो के ऐप्स में आप चले आइएगा। हाँ, देखिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, योर लोकेशन इज अपडेटेड। ठीक है, अपडेटेड हो गया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए आईसीसी मेंस सीडब्ल्यूसी 2023 बोल के जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये वाला जो आ रहा है आईसीसी मेंस सीडब्ल्यूसी 2023 बोल के जो ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर फाइव मैचेस बाय टीम बोल के इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ये जो 10 कंट्री जो पार्टिसिपेंट कंट्री है इनका आ रहा है। तो मान लीजिए आप कोई भी एक कंट्री का आप क्रिकेट आप ऑनलाइन आप बुक करना चाहते हैं, तो चलिए मैं इंडिया का ही कोई एक देख लेते हैं। तो इंडिया जो फ्लैग है, फ्लैग के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इंडियन फ्लैग के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इंडिया आईसीसी मेंस सीडब्ल्यूसी 2023 बोल के जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए इंडिया वर्सेस श्रीलंका 2 नवंबर में है, ये कमिंग सून दिखा रहा है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी मेंस सीडब्ल्यूसी 2023 ये ईडन गार्डन में है, ये भी कमिंग सून है। और इसके बाद देखिए इंडिया वर्सेस नीदरलैंड, ये भी आपका 12 नवंबर में है, ये भी कमिंग सून है। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया है। देखिए ये वाला सोल्ड आउट हो गया है, लेकिन अभी 3 जो मैचेस अभी हैं फिलहाल, जो इंडिया श्रीलंका 2 नवंबर में है मुंबई में, ये वाला कमिंग सून है। इंडिया साउथ अफ्रीका कमिंग सून है, एंड इंडिया नीदरलैंड्स
आईसीसी मेंस सीडब्ल्यूसी ये भी कमिंग सून है। तो जो मान लीजिए मैं कोलकाता से हूँ, तो मैं कोलकाता में इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का जो ईडन गार्डन्स में मैच है, मान लीजिए मैं वो बुक करना चाहता हूँ जो नवंबर 5 में है। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये अभी फिलहाल कमिंग सून दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर फिलहाल ये कमिंग सून दिखा रहा है। तो चलिए कोई और एक कंट्री का बुक करके आपको दिखाते हैं, अभी फिलहाल नहीं हुआ है स्टार्ट। मान लीजिए मैं ऑस्ट्रेलिया का कोई भी एक मैच मैं लेना चाहता हूँ, तो देखते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैच का जो अभी है 25th अक्टूबर 28th अक्टूबर ऐसा कुछ है। तो ऑस्ट्रेलिया एंड मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश का एक कोई भी एक मैच मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। ये वाला मैंने सिलेक्ट किया जो 11th नवंबर का है, तो ये वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि बुक बोल के, बुक बोल के नीचे बुक बोल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। 1000 रुपीज़ आपको चार्ज, आपका जो टिकट का चार्जेस है 1000 रुपीज़। तो देखिए बुक के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो बुक के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा आपको। देखिए यहाँ पर हाउ मेनी सीट्स बोल का ऑप्शन आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो जितना भी आप मेंबर्स है आप बुक करना चाहते हैं वही हिसाब से आप कर लीजिएगा। आप अगर एक हैं सिंगल लेना चाहते हैं तो 1 के ऊपर, आप अगर 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 बंदा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3, 4 ऐसे करके जितना भी मेंबर्स आप ये मैच देखना चाहते हैं तो वही हिसाब से आप बुक कर लीजिएगा। तो मैं मान लीजिए मैं बुक करता हूँ, ठीक है। 1 के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट सीट्स बोल के जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट सीट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 4000 रुपीज़, 2200, 1300, 2500, 2000 एंड 1000 ऑलरेडी सोल्ड आउट है, लेकिन और जो है आपका 2000, 2500, 1300, 2200 ये सब जो है अभी अवेलेबल है और फास्ट फिलिंग भी लिखा है। तो मान लीजिए मैं कोई भी एक लेता हूँ, 1300 का मैं बुक करता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर 1300 के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया है। तो क्लिक करने के बाद देखिए मान लीजिए ये यहाँ से आपको लेना है कोई भी, देखिए ये 6 वाला मैंने ले लिया है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, जो भी आप ले रहे हैं उसके ऊपर आपको जाके क्लिक करना होगा। मैंने कर लिया है, आपको जाके जो सीट्स का जो अवेलेबिलिटी है जो ये वाला देख लीजिएगा। देखिए ये जो है, ठीक है, इसके ऊपर ही आपको वही हिसाब से आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, कि आपका सीट अवेलेबल है कि या नहीं। अगर है तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करके सीट को बुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो है यहाँ पर 6 वाला जो पहले था उसके ऊपर मैंने क्लिक किया था, ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर मैंने क्लिक करके बुक किया था, ठीक है। तो इस पोर्शन में मैंने क्लिक किया था बुक करने के लिए। तो ये वाला देखिए मैंने बुक कर लिया, कॉन्फर्मिंग योर टिकट शो हो रहा है। इसके बाद देखिए बुक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश का 1300 का टिकट है। यहाँ पर बुकिंग फीस ले रहा है 93.22 रुपीज़, टोटल अमाउंट आ रहा है 1393 रुपीज़ 22 पैसा, ठीक है। और सिलेक्ट स्टेट है महाराष्ट्र, तो ठीक है। और होम डिलीवरी भी इंटर पिन कोड, आप अगर होम डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आपका पिन देना होगा, आपका घर का जो पिन है एड्रेस का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। तो पिन कोड मैं दे रहा हूँ, देखिए मैं पिन कोड दे दिया। और होम डिलीवरी इज अवेलेबल फॉर योर पिन कोड, प्लीज एंटर द करेक्ट एड्रेस बिलो, यू कैनॉट चेंज द एड्रेस वंस बुकिंग इज डन। तो यहाँ पर आपको सही तरह से आपका जो एड्रेस, जो होम का एड्रेस आपको देना है। और तो देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, और यहाँ पर एड्रेस देने के बाद यहाँ पर आपका नेम मांग रहा है, तो नेम आप दे दीजिएगा, मैं मेरा नाम दे रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस भी आप दे दीजिएगा आपके हिसाब से, तो लैंडमार्क भी आप दे दीजिएगा। देखिए दे देने के बाद देखिए पूरा एड्रेस नेम एंड आपका नेम एंड एड्रेस देने के बाद देखिए ऐसा आपका प्रोसीड टू पे बोल के ऑप्शन आएगा, ठीक है। देखिए प्रोसीड टू पे बोल के ऑप्शन आ रहा है,
तो प्रोसीड टू पे के ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए अब आ रहा है नीचे पे 1482 रुपीस। देखिए यहाँ पर पे जो टोटल जो हमें अमाउंट है उनको पे करने के लिए बोला है और चूज पेमेंट मेथड। यहाँ पर पेमेंट मेथड में देखिए गूगल पे से आप कर सकते हैं, पेटीएम से आप कर सकते हैं, यूपीआई से आप कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से भी आप आपका ये पेमेंट कर सकते हैं। एंड मोर पेमेंट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या क्या है, देखिए तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर है, तो आपके हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो मान लीजिए मैं गूगल पे से करता हूँ, तो गूगल पे के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। देन इसके बाद ऐसे इंटरफेस आएगा, आपको जो पे ऑप्शन है पे के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आपका गूगल पे में ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा, या फिर आप अगर फोन पे से भी या फिर पेटीएम से भी कर रहे हैं तो ऐसे ही आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। देन आपका वर्ल्ड कप का टिकट आप ऐसे ही बुक कर सकते हैं, सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा और वर्ल्ड कप का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप इस चैनल से लेते रहिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।